नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 4 लेकर आए हैं, जिसे सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। वे उनकी कविता है वे आंखें। तो चलिए पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन दादा दादी ने किया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा से हुई थी। इसके बाद ये आगे पढ़ने के लिए अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले गए और वहाँ इन्होंने क्वींस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 1956 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किए गए और 1957 में ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं लोकांत, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, युगवाणी, उत्तरा व चांद आदि हैं। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 में हो गया था। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि किस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा होती है। जमींदारों के द्वारा उनकी खेती को हड़प लिया जाता है, उनका परिवार छिन छिन हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि परिवार बिखर जाता है और वो भूखे मरने की नौबत आ जाती है और उनकी कोई सहायता नहीं करता है। तो इसी को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। यहाँ गुहा का मतलब गुफा के लिए कहा गया, सरीखी का मतलब सम्मान के लिए कहा गया। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसे उनकी आँखों है, उनसे उनका मन डरता है। कहने का तात्पर्य कि उन आँखों में उन गहर पूरी तरह से दुख भरा हुआ है और गहराई तक दूर तक एक दुख की अव्यवस्था दिखाई देती है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, कि उसमें गहराई तक भयानक दीनता व दुख दिखाई देता। और वो रोदन की नीरव रोदन का मतलब यह है कि पूरी तरह से मौन ही मौन है और वो मौन रूप में ही अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। चुपचाप से रोती हुई दिखाई दे रही हैं उनकी आँखें। वह स्वाधीन किसान रहा कि वह आज़ाद किसान रहा था, अभिमान भरा आँखों में इसका कि वो उसको अभिमान था क्योंकि मेरे खेत हैं। इसी पर वो अपना गर्व करता था कि किसान कि ये मेरे खेत ही रहेंगे, और अपने खेतों को देखकर वो प्रसन्नता जाहिर करता था कि मैं इसका मालिक हूँ। छोड़ उसे मजधार आज संसार कगार से दृश्य बह किसका। कगार का मतलब किनारा है और यहाँ मजदार मतलब समस्याओं के बीच के लिए कहा गया कि उस समस्याओं के बीच या परेशानियों के बीच उसे छोड़कर सब किनारा कर लिया, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से नदी का किनारा दूर होता है और कोई व्यक्ति गिर रहा होता है तो वो उसके पास नहीं आता, बल्कि किनारा पास सरक कर नहीं आता है, उससे दूर ही रहता है। उसी तरह से यहाँ किसान के दुख के बारे में बताया गया है कि कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा है। लहराते हुए खेत द्रगों में, कि उस द्रगों मतलब आँखों में, कि जो लहराते हुए खेत उसकी आँखों में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपने खेतों को देख के वो अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता था। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि अब वो बेदखल हो गया कि अब उसका अधिकार अब उन खेतों पर नहीं रहा क्योंकि महाजनों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा उससे खेत छीन लिए गए हैं। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, ये हंसती थी हमेशा जीवन में, क्यों उसके खेतों को अपने खेतों को देखता था, उसकी हरियालों को देखता था क्योंकि तन मतलब उसके हर तिनके में वो हरियाली झलकती थी, लेकिन आज वो नहीं है। आँखों ही में घूमा करता था वह उसी के आँखों का तारा, क्योंकि उसकी आँखों के आगे वो घूमता चला जाता था उसका आँखों का तारा। यहाँ उसके बेटे के लिए कहा गया कि उसका बेटा जो हमेशा के आँखों के आगे घूमता चला जाता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, कि कारकुनों मतलब जमींदार और साहूकार, उनकी लाठी से, नौकरों के द्वारा उनकी लाठियों से उसे मार डाला क्योंकि खेत के झगड़े के कारण जब उसने उनसे ब्याज में पैसे लिए और वो दे नहीं पाया तो उन्होंने उसका जोर किस पर चलाया, उसके बेटे के ऊपर चलाया और इकलौता बेटा उसकी को जान से मार डाला। और इस स्थिति को देखकर जो किसान है वो निराश हो जाता है, दुखी
हो जाता है। बिका दिया घर द्वार, और घर द्वार भी उनका बिका दिया। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, और महाजन ने ब्याज का एक रुपया भी नहीं छोड़ा। रह रहकर आंखों में चुभती वह, और ये बातें उसकी आंखों में बार बार में चुभती चली जा रही थी कि उन्होंने एक कोड़ी को भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसका बेटे की भी जान चली गई। कुर्क हुए बर्दों की जोड़ी और बैलों की जोड़ी भी लेकर चले गए। कुर्क मतलब कि कहना है कि बोली लगाकर उसको लेकर चले गए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यहाँ पर उजरी मतलब गाय के लिए गाय, उनकी एक सफ़ेद गाय थी, उसका नाम रखा था कि वो कभी भी किसी को अपने पास दूध दुहने के लिए मतलब दूध निकालने के लिए कभी अपने पास नहीं आने देती। एह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। ये आह उसकी वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई है, वह हरदम उसकी आँखों के सामने नाचा करती है। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, और बिना दवा के ही जो उनकी जो पत्नी थी वो भी स्वर्ग सिधार गई कि उन्हें दवा नहीं मिल पाई, वो बीमार थी और उन्हें दवा समय पर इलाज नहीं मिल पाया, इस कारण से उनका भी देहांत हो गया। देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया दो दिन बाद मर गई, और बिना देख रेख के उनकी जो दूध मोही बेटी मतलब छोटी सी शिशु थी के रूप में थी, वो छोटी सी बच्ची, वो उसकी देखभाल नहीं हो पाई थी और वो भी दो दिन बाद मर गई थी। घर में विधवा रही पतोहू, और घर में विधवा पतोहू का मतलब पुत्र वधू के लिए कहा गया है कि पुत्र वधू थी, उनके बेटे की तो जान चली गई थी और उनकी पुत्र वधू थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति की घातनी, कि वो लक्ष्मी थी या अपने पति को मारने वाली। यहाँ पर घातनी का मतलब यहाँ पति की हत्या करने वाली कह सकते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन, और यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें एक दिन कोतवाल वहाँ पर आया और उन्होंने क्या किया कि डूब कर वो कुएं में मर गई, कि लोग बाग उनसे कहने लगे कि ये तो पति की हत्यारन है, और इस कारण से वहाँ पर पुलिस आई और उनके उसको ले जाने के लिए, इस वजह से वो पति की घातनी बताई अर्थात पति की हत्यारन बताई, क्योंकि उस वो आई थी कि वैसे तो गुणों की लक्ष्मी थी लेकिन पति शादी कर कर आई, तभी उसके पति का देहांत हो गया अर्थात उसको मार दिया गया, और इस वजह से उसे हत्यारन बताया, और कोतवाल उसे पकड़ने के लिए आया लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गई। खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पर जोरू मतलब पत्नी के लिए, कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो पुत्र वधू के मर जाने पर किसान सोचता है कि खैर औरत तो पैर की जूती के समान है, पैर की एक जूती फट जाती है तो उसे बदल लिया जाता है, उसी तरह से दूसरे पुत्र अगर जीवित रहता तो पुत्र वधू दूसरी आ जाती, तो इसके लिए क्योंकि उसकी पुत्र वधू भी मर जाने पर दूसरी आ जाती तो उसके लिए उन्होंने कहा है, लेकिन अब तो दोनों ही नहीं है। न सही एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक नहीं तो दूसरी आ जाती, लेकिन अब जवान बेटा ही चला गया है तो अब हृदय पर क्या हो रहा है, सांप लौटते हुए नजर आ रहा है, अर्थात वो दुख होता हुआ नजर रखे, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट हो रहा है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, कि पिछले सुख का, क्योंकि जब किसान के पास खेती थी तो वो यादें एक क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक लेकर आ जाती हैं। तुरंत सुनने में गड़कर वह चितवन तीखे नोक सहदस्य बन जाती है, कि वहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जब लेकिन जैसे ही वो बातें याद आती है जो इस समय की हैं तो वो एक सुनने की तरह हो जाती हैं, कि जीवन में शून्यता की छाप छोड़ जाती है, कि किस तरह से वो खुश थे लेकिन अब उनके जीवन में दुख आ गया है, उनके खेत छीन लिए गए हैं, तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ कहा है, तो वो सुनने में कि आकाश के लिए भी कहा गया है, तो आकाश में उसकी आँखें पूरी तरह से धस जाती है, उसको देखते चले जाते हैं, चितवन का मतलब दृष्टि से, तीखी नोक सहदस्य का मतलब है कि उसकी सारी स्मृतियाँ उसमें दुखदाई बनती चली जा रही है। तो यहाँ पर कवि ने किसान की दुर्दशा के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।